रहमान रहीम भाइयों, ये मैं अभी ग्लैमर कंफर्ट पे खड़ा हूँ और फिर उसके बाद फ्लैट दिखाऊंगा यहाँ पे, 2x DD का फ्लैट भी है, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा और हमारी वीडियो को जैसे देखते हैं वैसे देखते रहिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं आपको ग्लैमर कंफर्ट पे लेके खड़ा हुआ और ये देखें आप ग्लैमर पर मेन गुलिस्तान है जौहर पे, मेन गुलिस्तान है जौहर पे, नई बिल्डिंग है बिल्कुल। और अभी मैं आपको इसका 2x DD का अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ, ये इसकी एंट्रेंस है 2x DD का फर्स्ट फ्लोर का। ये हम आ गए अंदर, ये देखिए ये एंट्रेंस है इसकी, और मैंने आपको बताया कि पार्किंग जो है वो बेसमेंट में है इसकी, इसकी पार्किंग जो है वो लोगों की बेसमेंट में, ये बेसमेंट है इसकी, यहाँ पार्किंग है और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं और यहाँ से रास्ता है और यहाँ पे ये लिफ्ट लगी हुई है, ये लिफ्ट लगी हुई है। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट दिखाएंगे। ये देखें हम ऊपर आ गए, ये कॉरिडोर है इसका और ये देखें आप, ये कॉरिडोर है और ये है फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट जो कि रोड फेसिंग है। ये हम आ गए, ये मंदिर आ रहे हैं और देखिए ये इसका टीवी लॉन्च है, ये टीवी लॉन्च है और टीवी लॉन्च बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये देखिए आप वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो मुझे फ़ोन पे बताना पड़े, आपको मैं वीडियो में ही सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको जब आप इंटरेस्टेड हो तब कॉल कीजिएगा। और ये टीवी लॉन्च में जो है किचन है, ये किचन आप लोग देख लें, ये देखिए ये किचन है इसका, ये टीवी लॉन्च में है और मैंने आपको टीवी लॉन्च की दिखा दिया पूरा कि कैसा बनाया हुआ है माशाल्लाह। और उसके साथ सर्विस कर ली है, जहाँ पे गीज़र लगेगा यहाँ पे गीज़र लगेगा इसका। और ये सामने इसका जो आपको शीशा नज़र आ रहा है ये ड्राइंग रूम है, इसमें वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है और ये देखें वुडन फ्लोरिंग हुई भी है इसकी पूरी। और ये पूरा इसका मैंने आपको ड्राइंग रूम दिखाया है और 2x DD है ये। अच्छा कमरे अच्छे हैं इसके ना, मैं आपको दूर से ही बता दे रहा हूँ कमरे अच्छे हैं, ये देख लें ये कमरे बड़े हैं। ये देखिए छतें सारी माशाल्लाह इन्होंने डिज़ाइन की हुई हैं क्योंकि ये फ्लैट रोड फेसिंग है, मेन रोड पर फेसिंग है इसकी। ये देखें अब हम दिखा रहे हैं इसका वॉशरूम आपको, ये फर्स्ट बेडरूम है, ये इसका वॉशरूम है। और अब मैं इसके सेकंड बेडरूम में लेके जा रहा हूँ, ये इसका सेकंड बेडरूम है और छत रूफ जो है सारी डिज़ाइन हुई हुई है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वेस्ट ओपन भी है और रोड फेसिंग भी है। ये देखें ये इसका वॉशरूम, ये वॉशरूम है और ये बालकनी है और यहाँ पे वॉशिंग एरिया बना हुआ है, वॉशिंग एरिया की जगह है ये, मैं आपको कह रहा हूँ कि रोड फेसिंग है। ये देखें आप ये मेन रोड है, नए फ्लैट हैं, 0 मीटर हैं, अभी नए बने और आधे से ज़्यादा तो आबाद हो गए हैं। ये देखें आप दो विंडो दी हुई है, ये देखें बराबर सारी गुंजान इलाका है बिल्कुल ये। तो ये मैंने आपको 2x DD 1050 इसका नेट एरिया है, नेट एरिया मतलब इसका ग्रॉस लगाएंगे तो ये 1300 के करीब जाएगा। और हम दोबारा आ गए हैं टीवी लॉन्च में, ये देख रहे हैं हम लोग टीवी लॉन्च में भी विंडो दी हुई है। तो ये देखें ये आप निकले और ये सामने लिफ्ट है करके, ये लिफ्ट है और ये स्टेयर्स हैं, ये देख लें ये स्टेयर्स हैं और उसके साथ है ये फ्लैट, ये वाला फ्लैट है। और ये मैंने आपको पूरा कॉरिडोर भी दिखा दिया और ज़्यादा नहीं है, 4 फ्लैट हैं 1 फ्लोर पे और 8 फ्लोर की बिल्डिंग है और लिफ्ट भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है और अच्छा फ्लैट है, नया है, 0 मीटर है। तो ये देखें, अच्छा ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मौजूद है बिल्डिंग का। ये मैं ड्राइंग रूम में दोबारा जा रहा हूँ और
कंप्लीशन सर्टिफिकेट मौजूद है, इस पर आप बैंक लोन भी ले सकते हैं। 1.45 का ये फ्लैट है, 1.45 करोड़ का है, और इस पर आपको बैंक लोन भी मिल जाएगा। नई बिल्डिंग है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ है। ये मैं ड्राइंग रूम में था इस टाइम ना, और ये देखें दोबारा टीवी लॉन्च, दोबारा देख लें आप लोग। अच्छा, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हुई हुई है घर की, आपको रहने में मज़ा आएगा। तो है मेन गुलिस्तान है जौहर। तो मैं आपको बता रहा था कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 है, ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 के अंदर है ये, और मेन रोड का प्रोजेक्ट है। और मैंने आपको सारा दिखा दिया, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। 1.45 डिमांड है इसकी, बैंक लोन भी हो जाएगा, लीज भी हो जाएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मौजूद है। जो बैंक वाले हजरात हैं वो भी ले सकते हैं इसको, और आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा जैसे आप लोग हमेशा कांटेक्ट करते हैं। ठीक है भाइयों, मैं वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं। अब आप लोग जब कॉल कीजिएगा तो फिर मतलब वो हों कि मतलब जिनको लेना हो। ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हमारे चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़।